वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है गाड़ी में, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। हाँ, मैं वापस जा रही हूँ अपना ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए। और इस बार पूरी तरीके से तैयारी है, मतलब गाड़ी वाड़ी सब चेक करवा दी है इस बार मैंने। मैं अपनी मम्मी के साथ ही जा रही हूँ। ये देखो, आज तैयार हैं हम जाने के लिए। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हैं हम, बस पहुँचने वाले हैं और 20 मिनट में पहुँच जाएंगे हम, और फिर देखते हैं कि क्या होने वाला है। आज मेरे साथ पापा नहीं आए, मुझे पता है पिछले बार बोला था आज मेरे पापा अवेलेबल नहीं थे। वैसे वो अवेलेबल होते हैं, बस जिस दिन मुझे काम है वो अवेलेबल नहीं थे। मैं यार, बट उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि तू जा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस चलते ही हैं, क्या कर सकते हैं। लाल गाड़ी वाला है ना, इसने आगे इतनी तेज की अपनी गाड़ी रोकी थी ना भाई साहब, मेरी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई इस पर, क्योंकि एकदम से इसने गाड़ी रोक दी और ग्रीन लाइट ही हो रही थी उस टाइम, एकदम एक दो सेकंड बचे थे और चलाते चलाते भम करके रोक दी इसने। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और बहुत ज़्यादा ना धुंध हो रही है, और द्वारका वैसे भी खाली खाली जगह है, तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा धुंध हो रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ना। नहीं, अरे आपको क्या पता, हमें पता ना, हम गाड़ी चलाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे जस्ट फॉर सेफर साइड कि हाँ भाई सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है या नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा एक डॉक्यूमेंट में ना पिछले साल की डेट लिखी हुई है, हमारा लर्निंग लाइसेंस पिछले साल का आ रहा है, इस साल का नहीं है। और भाई आज सुबह ही हमने वो डॉक्यूमेंट चेक करा था, पर पता नहीं वो कहाँ इधर उधर हो गया, बट अभी हमने प्रिंट आउट निकलवा लिया है उसका 2023 का, वरना आज का टेस्ट भी कैंसिल ही हो रहा था। मेरा तो टेस्ट हो चुका है स्टार्ट, मतलब अभी मेरा नाम लिया जाएगा, फिर मेरे को गाड़ी लेके आगे जाना है, और मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। सबसे पहले तो डेमो ही करवा लेते हैं। ओ भाई, हम आ गए हैं ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अपना, और स्टार्ट होने वाला है, बस चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। A few moments later. भाई दिमाग खराब हो चुका है, इतनी खुश खुश गई थी मैं कि यार मैं पास हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, बट जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा है मेरे से क्योंकि मैं पास हो चुकी हूँ इसलिए। भाई साहब, मतलब विश्वास नहीं होता यार, लोग तीन तीन बार दो दो बार में वो होते हैं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही, पर लोग दो दो बार तक जाते हैं, तीन तीन बार तक जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने बार ही पार कर दी है ना। मम्मी तो बहुत खुश है, मैंने बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मम्मी मैंने IAS क्या कहते हैं उसको, एग्जाम्स पार कर दी हूँ, ऐसी खुशी है मेरे अंदर। लड़कियां हो ही नहीं रही थी भाई, लड़कियां एक तो निकल गई मेरे सामने, मैं यार हालत खराब। अब चलते घर, खुशी खुशी जाएंगे घर। कल स्कूटी गए पर टेस्ट, वो तो हो ही जाएगा क्लियर। चलो घर चलते हैं, पार्टी करेंगे। मैं आ गई हूँ घर पे और थोड़ी सी थकान सी हो गई है एक्चुअली, एकदम इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रखा था ना, तो एकदम से मेरे को ना हो जाता है फिर अजीब सा बात। घर पे आ गए, अब खाएंगे खाना वाना, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सुबह से उठे हैं, कुछ खाते हैं आज बढ़िया। बहुत ही मजा आ गया आज, है ना कनु? मजा आ गया आज, तो मजा आ गया। दीदी की तरफ से पार्टी हो गई, बहुत ही बढ़िया, दीदी पास भी हो गई, पता है? पता है, खुश हो गया था ये तो बहुत ही, है ना? तो भाई मम्मी ने मंगवाया पिज्ज़ा, मम्मी ने यार चलो आज थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, हल्का हल्का हम छोटी छोटी चीज़ों को देखो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम खाने वाले पिज्ज़ा, बहुत टाइम बाद। हैं दोपहर के 3 और हम बस थोड़ी देर लेटे हुए हैं, और कल आ रही है मेरी प्यारी नानी, तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जब घर पर कोई आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और नानी तो वैसे ही आ रही, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। नानी आएंगी तो थोड़ा सा मज़ा भी आता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ना समझ नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या, अभी बैठे बैठे वेले तो सो जाती हूँ, और क्या करूँ। तो भाई हम उठ गए हैं सो के, बहुत ही बढ़िया नींद आती है शाम को, कोई मुकाबला नहीं है भाई शाम की नींद का कहीं से भी। तो भी उठे हुए, मैंने देखा कि कोई भी घर पे नहीं था, मतलब कन्नू घर पे था, मम्मी पापा गए हुए हैं, और पता नहीं कहाँ गए मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली की शॉपिंग के लिए गए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम। वैसे लाइट्स वगैरह हम 20 दिन पहले ही लगा लेते हैं दिवाली की, बट इस बार नहीं लगाई है, तो शायद वो वहीं गए, जब आएंगे तो ही पता लगेगा कि कहाँ गए हैं, कहाँ गए थे, क्या लेने गए थे।
तो अभी अभी मैं फोन चला रही थी तो उसे देखा इंस्टाग्राम पे लोगों ने एलविश यादव की स्टोरी लगा रखी थी। मतलब पता नहीं क्या हो गया, हिचकी आ रही है, सॉरी। तो मैंने चेक करा तो उसने देखा एलविश यादव इज अरेस्टेड, एलविश यादव जो है अरेस्ट हो चुका है। बात है कि भाई क्या हो गया ऐसा, तो उसमें रीज़न आ रहा है एलविश यादव इज अरेस्टेड क्योंकि रेप पार्टी जहाँ पर ड्रग्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ड्रग्स वगैरह फाउंड होती हैं वो रेप पार्टी होती है। तो वो वहाँ मतलब कह रहे हैं उन्होंने ही ऑर्गेनाइज करी है वो पार्टी या फिर वो उस पार्टी में थे। पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है, बट ये पता सिस्टम हैंग हो चुका है इस वक्त। अभी मैं करी थी थोड़ा सा लैपटॉप पे काम और काम वाम सब कुछ हो गया, मम्मी पापा भी आ गए हैं और अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है क्योंकि मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। अगर लगेगी तो मैं फ्रूट्स खा लूँगी बट उससे ज़्यादा और कुछ नहीं खाने वाली मैं, आज बिल्कुल भी मन नहीं है पता नहीं क्यों। तो भाई मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, ये है पपीता एंड एप्पल। तो इस बार ना बिग बॉस इतना खास नहीं आ रहा क्योंकि बिग बॉस ना हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहे हैं, फिर कन्वर्सेशन में अपनी टांग अड़ा देंगे, कई बार टास्क भी एकदम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करा रहे, पता नहीं क्या कर रहा है। ओके गाइस, तो आज हम कहते हैं अपनी व्लॉग को एंड कन्नू के साथ। कन्नू की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसको कोल्ड और कफ हो रहा है और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप अपना ध्यान रखो, मास्क लगा के जाओ, है ना। मेरे जुकाम की कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल की है क्योंकि यार प्राइमरी पता है, हाँ वो प्राइमरी इंसान नहीं है, प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां हैं और कनव सिक्स्थ में और इसकी छुट्टी नहीं है, तो इसको बहुत बुरा लग रहा है कि यार हम इंसान नहीं है। ये बात तो वैसे सच है, हर बच्चा हर एक इंसान ही होता है, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, सबको छुट्टी देनी चाहिए थी, मैं मानती हूँ इस बारे में। ब्लॉग को एंड अपनी, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड माता, बाय बाय।